स्वच्छता ही सेवा समिति द्वारा रविवार को टाउनशिप क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया। जंगली झाड़ियों की कटाई करने के साथ गंदगी और कूड़े करकट को निर्धारित स्थान पर फेंका गया। इस अवसर पर समिति के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। स्वच्छता ही सेवा समिति द्वारा प्रत्येक रविवार को टाउनशिप और पटरी पार के अलग अलग स्थानों में स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। सुबह 3 घंटे तक चलने वाले अभियान में समिति के सभी पदाधिकारी शामिल होकर श्रमदान करते हैं। रविवार को समिति पदाधिकारियों द्वारा टाउनशिप क्षेत्र में वृहद रूप से स्वच्छता अभियान चलाया गया। जंगली और आवाजाही में बाधक बन रही झाड़ियों को काटा गया। बाजारों पार्कों में जगह जगह फैले कचरे गंदगी झिल्ली प्लास्टिक को उठाकर निर्धारित स्थलों पर डस्टबिन में डाला गया। साथ ही लोगों को स्वच्छता बनाए रखने जागरूक किया गया। अभियान की जानकारी स्वच्छता ही सेवा समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद साहू ने दी। स्वच्छता ही सेवा समिति का यह 240 सप्ताह है, आप सभी इसमें जुड़ सकते हैं। यह निःशुल्क निस्वार्थ भाव से हम लोग कार्य करते हैं। सुबह हर रविवार को सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक का यह अभियान जारी रहता है और एक सार्वजनिक को स्थल को लेकर हम लोग कार्य करते हैं। आज हम उपस्थित हुए हैं पायनियर गार्डन में, जहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ लोग आते हैं, इन्जॉयमेंट करते हैं, बट यहाँ पर दारू की बोतल, पानी पाउच, गुटखा, खाने का पैकेट इत्यादि यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है, मैं अपील करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो भी आएँ कृपया इस हृदय स्थल जो सिविक सेंटर का पायनियर गार्डन है उसे स्वच्छ रखने का प्रयास करें। तभी हमारा यह भिलाई स्वच्छ होगा, हमारा राज्य स्वच्छ होगा, हमारा देश स्वच्छ होगा, तभी हम स्वस्थ होंगे। स्वच्छता ही सेवा, इन्हीं भावनाओं को लेके हम सब कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ में पूरे स्वच्छता अभियान टीम है, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा यह निस्वार्थ निःशुल्क भाव से स्वच्छता अभियान चलता है। आप भी इस जुड़ने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। समिति का स्वच्छता अभियान पिछले कई हफ्तों से जारी है, जिसे इन्होंने लगातार जारी रखे जाने की बातें कही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।